सो हेलो दोस्तों, हम निकल चुके हैं तिलक उत्सव कार्यक्रम के लिए। और देखिए, अब हम लोग प्रतापपुर पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग लगातार वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। और चैनल पे नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उधर इंट्रो शूट नहीं कर पाया क्योंकि जल्दी में निकल गए। पहले से मेरा प्लान था वीडियो शूट कर लूँ, बट निकल गए तो फिर मुझे याद आया जाना है कल्याणपुर, यानी कि डुमरखोला से कल्याणपुर तिलक उत्सव है तो वहीं पे जाना है। और अभी हम लोग प्रतापपुर चौक के पास में देख सकते हैं पीछे चौक। और अभी हम लोग अंबिकापुर, प्रतापपुर से अंबिकापुर जो रोड जाते हैं वहीं पे हैं। तो अभी रुके हुए हैं, लोगों का वेट कर रहे हैं। जैसे कि पीछे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा प्रतापपुर चौक। चलिए आप लोग को बैक कैमरा से मैं यहाँ का व्यू, आप लोग को नाइट का व्यू दिखाता हूँ। अभी बज गया है 7:30 लगभग बज गया है। देख सकते हैं प्रतापपुर में जो है लाइट जो है कट चुकी है। और अभी मैं जा रहा हूँ बनवाने क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। सो फ्रेंड, हम लोग डीजल के लिए यहाँ पे रुके हुए थे बट डीजल ख़त्म हो गई थी। अच्छा देख रहा है। प्रतापपुर बलरामपुर से बड़ा है ना? बलरामपुर में खाली रोड है। हाँ बोलो। हाँ एक। सो फाइनली दोस्तों देखिए, पहुंच चुके हैं हम शादी घर। सो फ्रेंड, देख सकते हैं किस प्रकार से डेकोरेशन यहाँ पे की गई है, सजावट की गई है, आप लोग देख लीजिए। और मैं जल्दी जल्दी शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मोबाइल में शूट करने नहीं आया हूँ, मैं कैमरा में शूट करने आया हूँ। तो मैं ऐसे ही शूट कर लिया हूँ इस सबको, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाने के लिए। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आप लोग को जो मेन कार्यक्रम है, जो तिलक उत्सव का कार्यक्रम है, वो दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं एक ही जन था और मैं वीडियो शूट कर रहा था, फ़ोटो भी खींच रहा था, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम थी तो मैं शूट नहीं कर पाया मोबाइल में, ठीक है। इसकी वजह से ब्लॉग आप लोग को नहीं दे पा रहा हूँ जो मेन कार्यक्रम है वो। तो कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कीजिएगा, आप लोग समझ सकते हैं मेरे प्रॉब्लम को, मेरे बातों को समझ सकते हैं। किधर बैठूं महाराज? उधर सामने आप पूरे जानते हैं। चलो ए लड़का आइए बैठिए ना। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं निकल चुका हूँ घर के लिए क्योंकि दोस्तों हम लोग 12 बजे रात को तिलक उत्सव कार्यक्रम से वापस लौट गए थे और वहीं पे आराम किए। और फिर मैं अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में निकल गया हूँ बलरामपुर के लिए, अपने घर के लिए, क्योंकि 6 तारीख को फिर मंडप है और 8 को रात है तो वहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। तो आप लोग बस लगातार हमारे ब्लॉग के साथ बने रहें, ठीक है। और चलिए अब बलरामपुर चलते हैं। देखिए सिमरसोत अभ्यारण्य में भी चल रहे हैं हम। ये देखिए, जो प्रतापपुर रोड जाती है उसी रोड में हम हैं और चौक के पास इसी रोड से जाते हैं उधर अंबिकापुर, और इधर हम लोग मुड़ गए अभी बलरामपुर साइड वाले रोड में। तो चलिए आप लोग लगातार कंटिन्यू बने रहिए।
फाइनली दोस्तों देखिए बलरामपुर मार्केट के पास पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में चांदपुर चौक पहुँचेंगे। और चांदपुर चौक पे थोड़ा सा काम है, चांदपुर चौक से पीछे बस स्टैंड पुराना बस स्टैंड के पास और पुराना बस स्टैंड कंप्यूटर बलरामपुर के मेन रोड में हूँ, पुराना बस स्टैंड के पास, और अभी श्रीराम कंप्यूटर के पास जानी है, तो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों यही पुराना बस स्टैंड था पहले, अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आती है। इधर अभी भी दुकानें पड़ी हुई है, देखिए प्रतीक्षालय है।